प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है उनके लिए भी मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार प्रारंभ करेगी। सबको राशन। और एक संकल्प मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटी, हमारे बच्चे अगर मेधावी हैं तो धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। हर बच्चे को उचित शिक्षा, और जिसकी फीस चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग की हो, मैनेजमेंट का कोई और कोर्स हो, सरकार भरवाने का इंतजाम करेगी। सीएम राइज स्कूल के रूप में हमने सर्व सुविधा युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले विद्यालय खोलना प्रारंभ कर दिया है, और वो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति करेंगे, ये मेरा विश्वास है। केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, सबका इलाज, आयुष्मान भारत योजना, हितग्राही जितने भी है, अभी हमने लगभग 2,78,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाए, शेष बचे कार्ड सितंबर और अक्टूबर में बना दिए जाएंगे। अगर और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी इलाज की व्यवस्था की जाएगी, और सबको शुद्ध पेयजल, गांव हो चाहे शहर हो, ये बुनियादी जरूरतें आज हमारा संकल्प है, ये मध्य प्रदेश की जनता को हम प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ आज मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने अपना एक संकल्प और व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे बेटे बेटियों, रोजगार आज की एक बड़ी समस्या है। हमने फैसला किया है 1 साल के अंदर 1,00,000 सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को शासकीय नौकरियों में रोजगार मिल सके। प्लेसमेंट के माध्यम से हम 1,00,000 बच्चों को रोजगार देंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन होगा, महीने में एक दिन रोजगार दिवस, और उसमें स्वरोजगार के कम से कम योजनाओं के अंतर्गत 2,00,000 बच्चों को हम ऋण दे के उनके काम धंधे और रोजगार खड़े करवाएंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे बच्चे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश सरकार की बन के तैयार है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ एक स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ गया है। रोजगार देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बात किसानों के लिए कहना चाहता हूँ, बाकी सब योजना पे काम कर चल रहा है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिछली सरकार के समय कर्जा माफी के नाम पर कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, उल्टा ब्याज चढ़ गया, तो वो जो चढ़ा हुआ ब्याज है वो प्रदेश की सरकार जमा करके किसान को उस ब्याज से मुक्त करने का काम करेगी। कृषि के क्षेत्र में बाकी सारी योजनाएं चल रही है, केवल 2 चीज़ों का उल्लेख करूंगा। एक, कृषि के विविधीकरण की एक नई योजना, जिसमें किसान, प्राइवेट पार्टनर और सरकार मिलके गेहूं और चावल के अलावा दाल हो, ऑयल सीड तिलहन हो या औषधीय खेती हो, उसको करने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। और प्राकृतिक खेती हम करें, इसके लिए हम अभियान चलाने का काम करेंगे। माँ, बहन और बेटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माँ की सुरक्षा, बेटी, माँ और बेटी बहनों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना इसके लिए हम लेके आए हैं। उसके अतिरिक्त भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ के लिए जो आवश्यक कदम है वो हमने उठाने का फैसला किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो पहले था 1,000 बेटों पे 912 बेटियां, अब बढ़ के हो गया है 1,000 बेटों पे 976 बेटियां। सेक्स रेशियो जब तक बराबर नहीं हो जाता, हम लगातार और भी कदम उठाते रहेंगे। हमारे निवेश की दृष्टि से अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, लेकिन हमारी जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं जनजाति के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, 18 सितंबर तक हम प्रदेश में पैसा एक्ट पूरी तरह से लागू कर देंगे। और इसके अतिरिक्त जनजाति समाज के लिए 18 सितंबर को और उसके बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने जो घोषणा की है, सबका पालन
पूरा कर दिया जाएगा। राशन के वितरण के लिए एक परिवहन की अलग योजना, जिसमें हमारे नौजवान खुद गाड़ी खरीद के राशन को पहुंचाने का काम करेंगे, वो हम अलग से लागू करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और शहरी विकास की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बुनियादी सुविधाएं, गांव को रोड कनेक्टिविटी, गांव को शुद्ध पीने का पानी, गांव की आंतरिक सड़कें, गांव में खेल का मैदान, गांव का सामुदायिक भवन, जो बुनियादी चीज़ें और पीने का पानी, ये सुनिश्चित करने का काम हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई नवीन योजनाएं हम लेके आए हैं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्र के हों, उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। समरस गांव, मतलब जहां निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए, आदर्श गांव विकास की दृष्टि से, जहां जनता विकास में भागीदारी करेगी, और उसके साथ साथ हम स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कई योजनाएं हमारी शहरों के विकास को नई गति और दिशा देने का काम कर रही है। सुशासन मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए अनेकों योजनाएं हमने संचालित की है। इसके अतिरिक्त मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल लिखित भाषण के अलावा इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का विकास अगर पूरी तरह से हमको मध्य प्रदेश सुनिश्चित करना है, तो अकेले सरकार के सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी सदैव कहते रहे और मैंने भी हमेशा कहा है, विकास में जनता की भागीदारी परम आवश्यक है। और इसलिए गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस मनाने का अभियान हमने प्रारंभ किया है। हजारों गांवों का गौरव दिवस मनाया जा चुका है, कई शहरों का गौरव दिवस भी मनाया जा चुका है, इसको हम लगातार जारी रखेंगे। गांव के गौरव दिवस का मतलब है गांव की जनता को गांव के विकास से जोड़ने का काम, और शहर का गौरव दिवस मतलब शहर का आमजन भी शहर के विकास से जुड़ जाए, और हम अपनी तरफ से कोई ना कोई एक काम अपने गांव और अपने शहर के लिए ज़रूर करें, चाहे आंगनबाड़ियां ठीक करने का काम हो, स्कूल ठीक करने का काम हो, अनेकों प्रकार के काम हो सकते हैं जो हम करने का फैसला कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। मैं एक बात और कह के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ घनघोर बारिश में हमारे वीर जवान बिना किसी परेशानी के आज भी जिस मुद्रा में खड़े हैं उसको देख के गर्व होता है। कुछ संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिए, मैंने लिए, एक बार मैं उन संकल्पों को दोहराता हूँ। नंबर एक, हमने तय किया है हर व्यक्ति को जमीन, शुद्ध पीने का पानी, बच्चों को ठीक से शिक्षा, बीमारी में इलाज की व्यवस्था, सबको राशन और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन मैं समाज से भी अपील करता हूँ, बिना आपके सहयोग के मध्य प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता, और मुझे कहते हो खुशी है जन भागीदारी लगातार मध्य प्रदेश के विकास में।